आपको बताऊं, 100 बहनों ने अमृत वेले भोग लगाकर, 100 की लिस्ट है मेरे पास, केवल भोग लगाकर और एक संकल्प देकर बड़े बड़े मकान बना लिए बिना पैसे के, बाबा के घर बना लिए केवल भोग लगाकर। उस संकल्प अमृत वेले पैसा नहीं था, 10,000 रुपए थे बस, करोड़ों का बाबा का घर बन गया। कैसे बन गया बताई नहीं, उन्हें खुद को नहीं पता कैसे बन गया। सिर्फ 10,000 थे उनके पास, किसी के 1 लाख था, किसी के 50,000 था, और आज उनके आश्रम जो हैं करोड़ों के बने हुए हैं। भोलेनाथ को रिझा लिया अमृत वेले। तो ऐसे ही हम भी, मान लीजिए मुझे विजय चाहिए, मेरे हर काम में मुझे विजय बहुत लेट मिलती है, सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर आप विजुअलाइज कीजिए कि बाबा ने मुझे विजयी भव का तिलक दिया। विजुअलाइज कीजिए, खुद सर्वोच्च सत्ता मेरे मस्तक पर मुझे विजयी भव का वरदान दे रही है, तिलक लगा रही है। अब ये तिलक अमिट है, ये मिट नहीं सकता, ये भगवान की स्टैंप है आत्मा पर, जहां जहां जन्मेगी विजय के साथ जन्मेगी, और ये विजय चारों युग मेरे साथ चलेगी, क्योंकि मैंने ये क्या ले ली है, यहां पर वरदान ले ली है। अब क्या करना है, 3 मंथ तक 108 बार, आप इसे 10-10 में भी कर सकते हैं, 5-5 में भी कर सकते हैं, एक साथ बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे ही आपको वक्त मिले, घंटे घंटे भी कर सकते हैं, या 15 मिनट निकाल के एक बार भी कर सकते हैं। 108 बार आपको अपनी फ्रिक्वेंसी पूरे ब्रह्मांड और प्रकृति को देनी है, जो आपको चाहिए। अब चाहिए क्या, विजय। विजय मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, 108 बार बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही सुंदर भावना आस्था के साथ आपको इस स्वमान का अभ्यास करना है, कि सबकॉन्सियस माइंड के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी फैले, इस तरह से सोचना है, अभ्यास करना है। मैं विजयी रत्न हूं, मेरी विजय सुनिश्चित है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मैं विजयी हूं, मेरी विजय सुनिश्चित है, मैं विजयी आत्मा हूं, मैं विजयी आत्मा हूं। कितनी बार, कितने दिन, 3 महीने, 15 से 20 दिन के बाद ही आभास होने लगेगा कि मुझे विजय मिलने लगी है, विजय मिलने लगी है, रास्ते खुलने लगे हैं, सफलता पास आने लगी है, कोई विघ्न है, हट नहीं रहा है। तो ये सब काम करने के बाद, या आपका जो भी और ऐड करने को मन करता हो अमृत वेले, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में, जब बिल्कुल आप लास्ट के बिल्कुल 10 मिनट रह जाए, तब हमें अपना जो संकल्प है वो बाबा को देना है। फिर आप क्या करेंगे, जैसे विघ्न है, मान लीजिए विघ्न हट नहीं रहा, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आप एक बार ये विजन देखेंगे कि बाबा मुझे मेरे कान में बोल रहा है, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, विघ्न विनाशक हो, तुम्हारे जहां कदम पड़ जाएंगे, जहां नजर पड़ जाएगी, वहां के विघ्न नष्ट हो जाएंगे, तुम विघ्न विनाशक हो, निर्विघ्न आत्मा हो। तो फिर इसी स्वामान को दिन में 108 बार लेना है मुझे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं, मेरे पास वो शक्ति है, वो एनर्जी है, जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी, जहां मेरा कदम पड़ेगा, वहां के विघ्न नष्ट हो जाएंगे, मेरा जीवन पूरी तरह निर्विघ्न है, मैं निर्विघ्न हूं, मैं निर्विघ्न हूं, मैं निर्विघ्न हूं। 108 बार, तो विघ्न नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ऑल आउट लगाते हैं, गुड नाइट लगाते हैं कमरे में, किस लिए, मच्छर। और आप देखेंगे कि आप कमरा बंद कर दो ऑल आउट लगा के, तो थोड़ी ही देर में मच्छर झूम झूम के गिर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो जैसे ही मैं यहां ये स्वमान का अभ्यास करूंगी, वैसी ही एनर्जी निकलेगी और विघ्नों को रोक देगी, मेरे ओरे तक उनको आने नहीं देगी, आने ही नहीं देगी, रोकेगी उनको, पावरफुल ढंग से रोकेगी।
इसमें यह है कि मेरा अभ्यास कितनी एकाग्रता के साथ हो रहा है, फ्रिक्वेंसी जो है, एनर्जी जो है, वो किस फोकस से बाहर आ रही है। ये सबका अपना अपना लेवल होगा, वो अलग बात है, लेकिन रोकेगी। और चाहिए क्या इसमें? आस्था और विश्वास। ये ध्यान रखिए, सबकॉन्शियस माइंड भी, पूरा प्रकृति और ब्रह्मांड भी, और शिव बाबा भी केवल आस्था और विश्वास की ही भाषा समझता है। ये होना मस्ट कंपलसरी है कि होगा कि नहीं होगा पता नहीं, कर तो रही हूं, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, डाउट बिल्कुल नहीं, 100% होगा ही, पॉजिटिव प्लस पावरफुल। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं, ये तो हो गया पॉजिटिव थॉट, लेकिन पावरफुल इसमें क्या करना है? होगा ही, मेरा ही थॉट मुझे सफलता दिलाएगा। तो इस प्रकार से हम जो मुझे चाहिए वो मैं ले सकती हूं। मान लीजिए कोई आत्मा पर बोझ है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हिसाब किताब है आत्मा में, कांटे नहीं कट रहे, एक के बाद एक, एक के बाद हिसाब किताब आ रहे हैं, तो परम सदगुरु के सामने बैठकर सच्चे हृदय से इस जन्म में जो भूल चूक हुई है, पूर्व जन्मों में भी जो जाने अनजाने में भूल चूक हुई है, क्षमा याचना कर लेना। कब? अमृत वेले। बाबा ने कहा कि वैसे अगर सुनाएंगे तो आधी तो माफ हो ही जाएगी, लेकिन अगर पूरी क्षमा चाहिए तो कब सुनाइए? क्योंकि वो देने के लिए बैठा उस टाइम पर, सिर्फ देने के लिए बैठा, और वचनबद्ध है। ध्यान रखिए, आप लेने वाले चाहिए, वो देने को तैयार है, दोनों हाथों से बांट रहा है, पात्र चाहिए उसको, लेने का तरीका आना चाहिए हमको। लेकिन एक पावरफुल संकल्प ये भी करेंगे, क्षमा तो मिल जाएगी, आगे से अपनी कॉन्शियस में हम ये भूल दोबारा नहीं करेंगे। और क्षमा लेने से पहले काम करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जिन्होंने भी मुझे कष्ट दिया, तकलीफ दी, परेशानी दी, मेरा दिल दुखाया, रुलाया, पर कुछ भी, किसी भी प्रकार का कष्ट दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उन सभी आत्माओं को क्षमादान अपनी ओर से दे देंगे, उन्हें अपनी ओर से हर कर्म बंधन से मुक्त कर देंगे, बड़े सुंदर और पावरफुल संकल्प के साथ। तो एक कहावत है कि रात को तुम दूसरों की गलतियां माफ करोगे तो सुबह तुम्हारे भगवान भी गुनाह माफ कर देगा, जो दोगे वही मिलेगा। तो पहले आत्माओं की गलतियों को, चाहे वो इस जन्म की हो या पूर्व जन्म की, हम माफी देंगे, क्षमा देंगे, चित्त को शांत करेंगे, दुआएं देंगे उनको, और फिर बाबा से लेंगे तो बहुत इजीली मिल जाएगी, क्योंकि लेन देन हो जाएगा ना, फिर इधर दिया इधर मिल गया, हो सकता है। और क्षमा देना मतलब क्या है? भूलों को भूल जाना। ये नहीं कि पिछले जन्म की आत्माओं को तो हम नहीं जानते, इस जन्म की आत्माओं को जानते हैं, माफ कर दिया, सुबह कष्ट दिया, तकलीफ दी, नाम खराब किया, कुछ भी किया, माफ कर दिया, लेकिन जब वो सामने आया तब क्या किया? तब मेरे लिए चैलेंज है। अगर मेरे मन में उसके लिए एक भी बुरा ख्याल ना आए, नेगेटिव संकल्प ना आए, उसने जो गलती की वो मुझे याद ना आए, तो मैंने क्षमा कर दिया, यानी कि भूलो को भूल गए, फॉरगिव फॉरगेट। और यदि भूले याद है, भूले मुझे परेशान कर रही है, इसने मेरे साथ ये किया, देखो बहन जी ने कहा ना माफ तो कर दिया, परंतु इसने मेरे साथ कसियत नहीं छोड़ी, इसने ये भी किया ना, इसने मेरे साथ वो भी किया ना, देखो ऐसा भी किया, देखो इसने वैसा भी किया, अगर मुझे याद है और मैं याद कर रही हूं, चिंतन कर रही हूं, वर्णन कर रही हूं, सुन रही हूं, सुना रही हूं, कोई दूसरा भी मिल जाता, देखो ना इसने तुम्हारे साथ क्या किया, और मैंने सुन लिया, तो मैंने उसको क्षमा, अरे कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैंने माफ कर दिया, वो सुखी रहे। कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? अगर दिमाग में भी ख्याल आए तो मैंने उसको क्षमा कर दिया, वो सुखी रहे, खुश रहे, निरोग रहे। मेरी जितनी शुद्ध वृत्ति होगी, मैं उसकी वृत्ति को उतना ही अपने फेवर में ले सकती हूं, लेकिन मेरी ही विरुद्ध वृत्ति होगी तो वो मेरा विरोधी बनता चला जाएगा।
तो मुझे अपनी शुद्ध वृत्ति करके उसे शुभ भावनाओं का दान देना है, तो वो दोस्त बन जाएगा। देखना धीरे धीरे आपको लगेगा, अरे ये तो बहुत बदल गया। बदला वो नहीं, कहां से बदला? पहले हम बदले यहां से, फिर वो बदला। एक को पहला कदम उठाना पड़ेगा बदलाव का। अगर हम अपने अंदर की वृत्ति को बदल देंगे तो उसकी भी वृत्ति को बदलने की क्षमता है मेरे अंदर, मैं उसकी भी वृत्ति को बदल सकती हूं। तो इस प्रकार से हम अमृत वेले को सफल बनाएंगे, भरपूर लाभ लेंगे। आप जितनी चाहे शक्तियां ले सकते हो, सिद्धियां ले सकते हो, और साथ में वरदान ले सकते हो, दुआएं ले सकते हो, अपने आप को भरपूर कर सकते हो इस सुंदर वेला, अमृत वेला में। लास्ट में कहानी सुना करके मुझे प्रेरणा कब और कहां से आई, तो ये जो सरदार लोग होते हैं ना, सिख लोग, इनके यहां भी, इनके शास्त्रों में अमृत वेले का बड़ा भारी महत्व है। और जो बहुत ही अपने धर्म में लीन होते हैं ना, वो अमृत वेला जरूर करते, कुछ पाठ, गुरु वाणी, कुछ तो करते हैं। एक सच्ची कहानी सुना करके मैं खत्म करूंगी। एक परिचित मिले हमको पंजाब के, तो उन्होंने अमृत वेले के बारे में डिस्कशन किया। बोला, बहन जी आपको पता है सिख लोग भी अमृत वेला करते, उनके बच्चे भी करते, उनको भी उठाते अमृत वेले। तो मैंने कहा, हाँ मुझे पता है। तो बोला, एक सच्चा अनुभव मैं आपको सुनाता हूं। एक सरदार जी थे जिनका बहुत अच्छा बिजनेस चलता था। अचानक बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया और वो रोड पर आ गए। हालात ऐसे हो गए कुछ समय में कि उन्हें अपना घर वर सब बेचना पड़ा। एक छोटे से घर में रहने लगे जो बहुत प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे कभी के। लेकिन धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि अब खाने को अन्न भी नहीं था उनके पास। बहुत तकलीफ से गुजर रहा था उनका परिवार। किसी ने राय दी कि कोई सिख गुरु है, उनसे जाकर मिलो, उनसे राय लो, वो कोई रास्ता बताएंगे। तो सरदार जी उन गुरु जी के पास गए। उन्होंने जाते ही पूछा, भैया अमृत वेले करते हो क्या? तो उसने कहा नहीं। तो बोला कि पाप का प्रभाव बहुत ज्यादा आया है, उसको काटने के लिए इमीडिएट पुण्य की आवश्यकता है। तो उसने कहा, इमीडिएट पुण्य क्या करूं? बोला, तुम अमृत वेले तो करते नहीं हो, अगर तुम्हें इमीडिएट पुण्य चाहिए, अपने तरीके से उन्होंने बताया कि जो मैं कहूं वो करोगे? तो बोला, हां करेंगे। तो बोला, अमृत वेले उठना, अमृत वेले उठना, गले में ढोल डालना और अब गली गली में जाके ढोल बजाना, सोए हुए को जगाना कि ये बेला नहीं है सोने की, ये बेला है भाग्य बनाने की, अब जग जा, अब उठ जा। ये इस तरह से कुछ उनकी गीत बताया, उसको एक कविता बताई कि ये बजाते रहना और गाते रहना, कोई तुझे गाली भी देगा कि नींद खराब करने आ गया, लेकिन डरना नहीं। अगर सो में से 10 भी उठ गए और गुरुवाणी का पाठ कर लिया तो तेरा इमीडिएट पुण्य बढ़ जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। ये सच्ची कहानी है, किताबी कहानी नहीं है, वो लोग अभी भी है। तो उसने यही किया, उसने गले में ढोल डाला बड़ा सा और बजाना शुरू कर दिया और गलियों में निकल जाता सुबह ही सुबह, सबको जगाकर फिर आकर खुद पाठ करता। कुछ ही दिनों में उनके दिन बदल गए, रियली रास्ते मिलने लगे, दोस्त मिलने लगे, वापस वो जो डाउन हो गए थे अब होने लगे। आज भी उनका परिवार है, तीसरी पीढ़ी है, वो कनाडा में है, मल्टी मिलियंस हैं वो लोग, अरबों खरबोंपति हैं, परंतु आज भी ये काम करते हैं। कनाडा में तो नहीं करते, उनका गांव है पंजाब में। आज भी उनके परिवार की ड्यूटी है, 2 से 3 लोग कनाडा से आते हैं, 1-2 महीना इंडिया में रहते हैं पंजाब में, सुबह उठ के गले में ढोल डालते हैं और आज भी गलियों में निकलते हैं। अमृत वेले से उन्होंने सोचा नहीं था कि हमारी इस तरह से तकदीर बदलेगी। केवल अपने भक्ति करके उन्होंने तकदीर बदल ली। या तो स्वयं भगवान भाग्य बांट रहा है, तो हमारी तकदीर नहीं बदलेगी क्या? बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो अमृत वेला कीजिए, और बहुत ही सुंदर प्राप्तियों का समय है, मनचाही प्राप्तियों का समय है, वरदान लेने का समय है।
100% सफल कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।